Heads up speech, adjectives. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. यानी एक एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो गुण या अवगुण कुछ भी हो सकता है। उदाहरण देखें, मोहन इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मोहन इज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है, कॉमन नाउन, उसकी विशेषता बता रहा है आउटस्टैंडिंग, मोहन एक शानदार छात्र है। द ब्लू बर्ड इज फ्लाइंग। चिड़िया उड़ रही, चिड़िया कैसी है, नीली चिड़िया है, तो चिड़िया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, पहला है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, इसे वर्णन किया जाता है। इट इज नॉन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे इट इज ए ब्लैक हॉर्स, एक काला घोड़ा है। ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। क्वांटिटेटिव, इट इज नॉन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रावाचक विशेषण होता है। ही हैज 20 मैंगोज, उसके पास 20 आम है। ही हैज 5 लीटर मिल्क, उसके पास 5 लीटर दूध है। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन जैसे होते हैं, किसी अन्य नाउन के साथ लग कर के उसकी विशेषता बता देते हैं। इट बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन। एन अमेरिकन स्कॉलर केम, स्कॉलर नाउन है, अमेरिकन भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे ए चाइनीज सोल्जर डाइड। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, संकेतवाचक। दैट बॉय इज फन लविंग, वह लड़का फन लविंग है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव, माई जॉब इज गुड, माई, हिज, अवर, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसा मैंने पिछले में बताया है। जब किसी नाउन के साथ लगते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में होते हैं विच, व्हाट, हुम, विच हॉर्स डू यू वांट, कौन सा घोड़ा तुम चाहते हो, हुम डू यू लव, तुम किसको प्यार करते हो, या हूज हॉर्स ही हैज टेकन, किसका घोड़ा उसने ले लिया है। इनडेफिनिट, जिनसे हमें संख्या मात्रा का पता चलता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता है कि 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उन्हें कहते हैं इनडेफिनिट, जैसे सम, मैनी, एनी, सेवरल, फ्यू, ईच, एवरी, नोबडी, तो इसमें इनडेफिनिट है। लिंग नहीं पता चलता है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन नहीं पता चलता जल्दी, तो ये सारी चीज़ें इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाती हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्रेजल आर एडजेक्टिव फ्रेज भी इसे कहते हैं। ही हैज ए 2-फोल्ड मोबाइल फोन, उसके पास 2-फोल्ड वाला मोबाइल फोन है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है था, इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। एडजेक्टिव में इतना ही है आपके यहाँ। धन्यवाद।